दर्शन करने को जा रहे थे। वो नीलिमा बहन थे और माला बहन, तो उनको भी ट्रेन के एक्सीडेंट में कुछ हुआ? हाँ, वो भी एक्सपायर हो गए। आपकी मदर जो है भक्त के रूप में दर्शन करने के रूप में जा रही थी। डैडी बॉडी लेकर यहाँ पर वापस आए थे? हाँ। तो आपने देखा था? हम डर जाते ना देखकर। थोड़ी देर के लिए रोक दूं मैं? कभी आपको ऐसा लगता है कि हमारे जैसे लोग, पार्टी वाले लोग, सब आपको भूलने नहीं देते, बार बार तंग करते रहते हैं? कई लोग आते हैं, वैसे तो हम भूल ही नहीं पाते। आप याद दिलाओ या ना दिलाओ, याद तो आ जाते हैं। पर ये जो पॉलिटिक्स वाले लोग बार बार नाम लेते रहते हैं, फोटो दिखाते रहते हैं, पर्चे बांटते रहते हैं, उस पर भी आपको गुस्सा चढ़ता है? नहीं, लेकिन कुछ नहीं, वो तो मैं कुछ ध्यान में ही नहीं रहती ये सब। तो आप कभी विश्वेंदु परिषद के दफ्तर में गए हैं? आप में से कोई भी? नहीं, मैं कभी नहीं। आपकी मदर की तस्वीर वहां पे देखी है? तब सबका दो सबके दो दो फोटो फोटो लिए थे। कहाँ पे? उन्होंने रखे थे, दो अपने पास और दो हमारे पास, कि कुछ हो गया तो कहीं कुछ किसी के काम के लिए चाहिए ना। सबके ये वो फोटोग्राफ है ही वहाँ पर। उनका जो फोटो है वो वहाँ पर कार सेवक के रूप में लगाया हुआ है। वो कार सेवक के लिए नहीं गई, लेकिन ऐसा हो गया तो सबको कार सेवक ही मान। ट्रेन में एग्जैक्टली क्या हुआ उसके बारे में आपने अब तक क्या सुना? अभी तो ये सुना है कि वहाँ जब गुदरा में बोले गुदरा से का ट्रेन उठा और वहीं पर आगे जाके उसका ट्रेन चेन कूलिंग हुआ। कई लोगों से ऐसा भी सुना है कि आगे कुछ बवाल हुई थी और उसके बाद में ये सब हुआ है कि भाई ये जो विश्व हिंदू परिषद वाले गए थे वो लोग ने कुछ बोले, वहाँ नारे लगाए थे, तो उसके बाद में ये सब हुआ है। उसके बाद जो हिंदू प्रतिक्रिया हुई, जो सब इतने दंगे हुए, उसमें बहुत मुस्लिम भी मारे गए, तो ये जो बदले की भावना से जो सब बाद में हुआ, आप उसका समर्थन करते हैं? नहीं, क्या? नहीं, नहीं, अभी ऐसा कोई समर्थन नहीं है। ऐसा एक बात है, हमारे सामने भी मोमेडियन रहते, ऐसा नहीं है, ये सामने वाला ही घर मोमेडियन का है, लेकिन अभी हमारे घर जैसा संबंध है, यानी वो तो करने नहीं गए थे। ये जो है 5-25 का कुछ पैसों के लिए भी किया हुआ है, डिटेल में भी मैं आज तक गया नहीं हूँ कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अब जब अपना इंसान चला गया है फिर अब बच्चों के पीछे केयर लेना पड़ेगा, वो सब अपने डिटेल में जाएंगे तो ज़्यादा उसमें डीप में जाके कोई मतलब नहीं है। और फिर क्या है कि अपने को भी थोड़ा डर जैसा वो था कि भाई चलो ये बच्चों का भी सोचना पड़े, कल उठ के अपने ज़्यादा डिटेल में जाएंगे कुछ अपने को हो गया तो फिर बच्चों का कौन ही। तो शिवाली, इस बार आप स्कूल के एग्जाम में टॉप करोगे कि नहीं? तैयारी शुरू कर दी? हाँ। थोड़ा मार तो पड़ता ही है उसके माइंड पे, क्योंकि अभी पहले क्या था वो लगभग 80% के आसपास रहता था, लेकिन अभी क्या है थोड़ा ये बीच में रिजल्ट आया है जो, तो उसमें 5-10% कम हो गए, लेकिन फिर भी मैं तो उसे बोलता ही रहता हूँ कि भाई मेहनत कर, अभी सब भूल जाओ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। कि पहले कोई मुस्लिम दोस्त
स्कूल में पढ़ती हूँ तो थे कई कई सहेलियाँ थी मेरी मुस्लिम। कौन कौन दोस्त हैं आपके जो मुस्लिम हैं? है 3-4 लोग। नाम क्या क्या है? रुबीना है, गुलजार है, नाजबिन है, मिलास। तो इन चारों से अभी भी दोस्ती? हाँ। अच्छी कि पहले से बदल गई हो? जैसी थी ऐसी है अभी भी। तो शरारत में आप लोग साथ में हिस्सा लेते हैं कि पढ़ाई में? पढ़ाई में भी और शरारत में भी। किस तरह की शरारत करते हैं आप? टीचर की मस्करी करना, सब मतलब पढ़ते तो सब होता है ना। जो हिंदू मुस्लिम का प्रॉब्लम शुरू हुआ है गुजरात में, इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या है? इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है अगर इसी तरह चलता रहा तो, क्योंकि ये क्या है कि थोड़े बहुत लोग हैं जो ये करवा रहे हैं, बराबर है हिंदू में है मुस्लिम में है, क्योंकि वो अपनी रोटी सेक रहे हैं। क्योंकि सब आज एक बात है कि धंधे पे लग जाएंगे सब, आज धीरे धीरे अब धंधा डेवलप हो रहा है सबका। अभी फिर से इस तरह हुआ तो क्या है कि धंधे भी बैठ जाएंगे, आज इंसान को रोजी रोटी तो चाहिए, इसी तरह चला तो किस तरह पूरा होगा। गोधरामा साइंट जितना निर्दोष राम भक्तों ने रेलवे ना डब्बा में सड़गावी दीदा। आज अपना गाम ने खबर थी जरा जोर थे तो कहो भाई समाचार मळ्या था। त्यार पछी अपना गाम में आपने कोई नी दुकान बाड़ी थी भाई? आपने कोई नू घर बाड़ी तो? जोर थी बोलो ने। आपने कोई ने चक्को मारू तो? आपने कोई नू माथू वाड़ू तो? आपने कोई बहन बेटी नी इज्जत लीधी थी? तेम छताय अपना गुजरात में दुश्मनों गुजरात में विरोधियों एम ज कहे छे कहीं तो गामे गाम आग लागी थी। गामे गाम जाने बढ़िया लोगों ने कूटी बारता था, गामे गाम लोगों ना माथा वारता था। इतनी हदे अपना गुजरात ने बदनाम करी मुक्यो ये बद्धा ने जवाब आप्यो छे आ गुजरात गौरव यात्रा है। वंदे भारत माता के, भारत माता के वंदे। 28 तारीख हमारे देलन गांव में, 28 तारीख को 10 बजे से हमारी मस्जिद पे हमला करने आए, तो हम सब लोग पूरे दिन और पूरे रात हम खेत में रहे। 1 तारीख पहली तारीख हम वहां से भागे तो हमने ऐसा सोचा कि हम टेम्पो लेके हम कालोन में चले जाए। फिर हम टेम्पो लेके आ रहे थे देलन से कालोन में, तो वहाँ अंबिका सोसाइटी है वहाँ पे उसने हाईवे रोड पे मारुति कार आड़ी रख दी और हमारे यूं करके ऐसा उसने टेम्पा हमारे गिरा दिया। फिर हमारे आदमियों को सबको मारकर उसने के पेट्रोल केरोसिन डाल के उसने उस लोगों ने जला दिया हमारे आदमियों को। फिर हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर भागी, वहाँ से भागी और नदी में उतरते हमको पकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया और सब मेरी जेठानी चले गए, हम छोटे छोटे पड़ गए। वहाँ थे मेरे कपड़े उसने निकाल दिए थे, कपड़े निकाल दिए थे और मैं फिर बेहोश हो गई।